टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ऋषि पहुंच चुका है जेल में लक्ष्मी से मिलने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और लक्ष्मी ऋषि को कहती है कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, तुम मेरे लिए यहाँ पर आए। उधर दूसरी ओर मलिष्का अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहेगी कि लक्ष्मी ने ऋषि को हिप्नोटाइज कर रखा है, वो जैसा कहती है ऋषि बिल्कुल वैसे ही करता है। मलिष्का की माँ भी मलिष्का को भड़काने की पूरी कोशिश करती है और कहेगी कि आज तो ऋषि ने सारी हदें पार कर दी, उसने तो अपनी माँ की भी नहीं सुनी और उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तभी मलिष्का को गुस्सा आएगा और कहेगी आप ऋषि की तारीफ कर रही है, आप मेरी माँ होकर उसकी तारीफ कर रही है। उधर दूसरी ओर जब ऋषि का जेल से लक्ष्मी के पास से जाने का समय हो जाता है, तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि ऋषि अब तुम्हारा जाने का टाइम आ गया। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे में इतने खोए हुए होते हैं कि उन्हें पुलिस वाले की बात सुनाई तक नहीं देती। तभी पुलिस वाला चिल्लाकर कहता है कि मिस्टर ऋषि आपका जाने का टाइम हो गया है। तभी ऋषि पुलिस वाले से 5 मिनट और मांगता है लेकिन पुलिस वाला मना कर देता है। उधर सालू और सालू की बहन को लक्ष्मी की बहुत चिंता हो रही होती है और वो आयुष के कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी आयुष उसको कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम घर के पीछे आ जाओ। सालू पागलों की तरह घर के पीछे चली जाती है और वो आयुष को ढूंढती है, आयुष उसको नहीं मिलता। दरअसल आयुष उसके साथ मजाक कर रहा होता है। जैसे ही सालू आगे बढ़ती है और गिरने को होती है तभी आयुष उसको पकड़ लेता है। आयुष कहता है कि डर गई ना तुम। तभी लक्ष्मी की बहन सालू कहती है कि ये कैसा मजाक था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उधर दूसरी ओर मलिष्का की माँ नीलम के पास पहुँचती है और उसको फिर बहकाने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरी बेटी मलिष्का का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्या ऋषि कभी लक्ष्मी को छोड़ पाएगा, और आज तो वो आपके भी खिलाफ चला गया। और नीलम से वादा मांगती है कि वादा करो कि तुम मलिष्का को इस घर की बहू बनाओगी। तभी नीलम उसको वादा कर देती है कि मलिष्का ही इस घर की बहू बनेगी और कहती है लेकिन उससे पहले हमें अपने बेटे ऋषि को लक्ष्मी से बचाना होगा, उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। इस बात को सुनकर मलिष्का की माँ बहुत खुश हो जाएगी। उधर ऋषि पुलिस वालों के साथ मस्करी करने लगता है और कहता है कि मुझे लक्ष्मी को कुछ कहना है। तभी पुलिस वाला कहता है आपको जो भी कहना है आप इनको कह दीजिए, ये आपका मैसेज उस तक पहुँचा देंगी। तो ऋषि उससे कुछ प्यार भरी बातें कहता है कि ये बातें आप लक्ष्मी तक पहुँचा दीजिए। ऋषि की इन बातों को सुनकर पुलिस वाली भी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तभी ऋषि पुलिस वालों को चकमा देकर वापस लक्ष्मी के पास भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो सभी पुलिस वालों को जेल में बंद करके लक्ष्मी के पास मिलने के लिए चला जाता है। तो आगे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं क्या आप भी आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं।